हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति में। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इजी सैंडविच रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर, 2 प्याज और 2 हरी मिर्च को ले लिया है। अब मैंने इनको बहुत ही बारीक कट कर लिया। आप कोशिश करिएगा कि आप प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक काटिएगा, क्या बारीक काटने से हमारे फिलिंग सैंडविच से बाहर नहीं आएगी। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते वक्त हमें इसमें नमक नहीं डालना है। नमक डालने से प्याज टमाटर का पानी रिड्यूस होता है, जिससे कि हमारे सैंडविच नरम बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सैंडविच कितने नरम हैं। तो अब हम इनको क्रिस्पी बनाने के लिए तवे पर सेक लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको सेकने के लिए चलते हैं। तवा मेरा गर्म हो चुका है, अब हम इनको तवे पर सेक लेंगे। सेकने हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। इनको इस तरह से तवे पर सेकने से क्या होगा, हमारे ब्रेड का जो पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारे सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आप गैस का फ्लेम लो ही रखें। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके अंदर फिलिंग को भर लेंगे। फिलिंग को हमने अच्छे से भरना है। अब हम ऊपर से नमक को स्प्रिंकल करेंगे। अगर हम पहले नमक डाल देते तो टमाटर और प्याज अपना पानी रिड्यूस कर देते, जिससे कि हमारे सैंडविच नरम बनते। अब मैंने तवे पर बटर को फैला लिया है। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अपने ब्रेड के स्लाइसिस को रख देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। अब हम अपने सैंडविच को क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। अब इससे दबाते हुए सेकना है ताकि हमारा सैंडविच जो हो वो क्रिस्पी बने। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सैंडविच एक तरफ से बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सैंडविच कितना क्रिस्पी बना है, लग रहा है ना एकदम मजे का। हमारा सैंडविच बिल्कुल सिककर तैयार हो चुका है। हम इसी तरह से अपने सभी सैंडविच को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सैंडविच भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम सैंडविच को बीच से कट कर लेंगे। देखिए बना है ना हमारा सैंडविच एकदम क्रिस्पी।
लग रहा है ना, एकदम बढ़िया। तो आप भी बनाइए और खिलाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो।